गुड आफ्टरनून फैमिली, आज कोई ब्लॉग नहीं है, मैं बस परवल का रेसिपी बताने वाली हूँ, फ्राई परवल। तो मैं ऐसे इतना सारा परवल जो था ना, मैं ऐसे बीच से इसको कट कर ली हूँ, जैसे देख रहे हो ना आप लोग वीडियो में, ऐसे ही आप लोग कट कर लेना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होने वाला है ये। और इसके लिए मसाला है ये जीरा, लहसुन, मिर्ची और प्याज, इन सबको मैं पीस के ले आती हूँ, सिलबट्टे पर ही मैं पीसती हूँ, सभी को पता है। तो मैं पीस के ले आई और इसी परवल में डाल दी हूँ मैं। अब मैं डालूँगी इसमें सूखा मसाला, देख रहे हैं, धनिया, नमक, मिर्ची, लाल पाउडर, मतलब कि सारा सूखा मसाला हमें इसमें मिक्स कर देना है, सब कुछ मिक्स कर देना। जैसे हम लोग मछली नहीं बनाते हैं तो सारा मसाला डाल के फ्राई करते हैं, वैसे ही सेम इसको भी ऐसे फ्राई करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। हर एक परवल में जाना चाहिए ये जो मसाला है, जो भी हर परवल में जाना चाहिए, अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ इसको। अभी परवल का नया नया सीज़न चल रहा है ना, सब्जी से ज़्यादा अच्छा लगता है परवल फ्राई, आप लोगों को रोटी में या दाल चावल पे या किसी भी सब्जी पे या किसी भी, मतलब ऐसे ही खाने में बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये एकदम न्यू है, मैं हमेशा बनाती हूँ ऐसे ही, मेरे घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है ऐसा परवल फ्राई, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और बिना स्किप किए देखना। बहुत कम मैं आजकल वीडियो डाल रही हूँ, तो जितना ही डाल रही हूँ प्लीज़ उसी में थोड़ा प्यार सपोर्ट दीजिए मुझे। नेट का प्रॉब्लम चल रहा है मेरे मोबाइल में, कितने दिनों से बता रही हूँ ना आप लोगों को, इसीलिए मैं बस वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। जब भी होता है कुछ मैं शूट करके रखती हूँ तो डाल देती हूँ। देख रहे हैं, आपको अच्छे से मिक्स कर लेना, जैसे मैंने मिक्स किया है ना इसमें, वैसे ही आप लोगों को भी मिक्स करना है, बिल्कुल अच्छे से एक एक परवल में मिक्स कर लेना है। और इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, देख लीजिए, पहले पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है ना, कढ़ाई में चढ़ा दी थी। और इसमें जीरा का फोड़न डालना है, इसको हिला लीजिए, पूरा फैला दीजिए, मतलब कि ताकि ना परवल चिपके ना, जो मसाला है ना वो हमारा नहीं चिपकेगा। पूरा ऐसे तेल फैला देने से ना चिपकता नहीं है। अब इसमें मैं पूरा डाल दूंगी, ये जो भी है देखिए, ऐसे करके डालना है पूरा, जितना भी है ना मसाला वसाला सब इसमें डाल देना है और चला के देखो, जितना भी थाली में बचा रहेगा ना हमें पूरा इसमें डाल देना है। और इसको थोड़ा सा चला देना है शुरू में, मतलब कि चिपके ना, चला के बस मैं ढक के छोड़ दूँगी इसको कुछ देर के लिए। हाँ, इसको ना मीडियम फ्लेम पे जलाना है, एकदम से ही एकदम धीरे धीरे ही चलाना है, मतलब कि धीरे धीरे बनाना है इसको, एकदम मीडियम स्लो गैस पर बनाना है इसको। और इसको ढक के मतलब कि रख दीजिए, उसके बाद ये देखिए पानी छूटने लगा इसमें, ऐसा हो गया। पाँच मिनट के बाद मैंने देखा है, मैं वीडियो कम दिखा रही हूँ, मतलब कि ऐसे ही देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अब पूरा मसाला अपने आप ऑब्जर्व हो जाएगा इसमें। और ना बार बार इसको मतलब कि चला चला के देखना और फिर ढक देना, ऐसा नहीं कि ढक के ही छोड़ दोगे, इसको बार बार देखना पड़ता है। मैं इतना ही फ्लेम पर रखी हूँ, मेरा गैस थोड़ा ख़राब है इसलिए रेड जल रहा है। और ये देखिए धीरे धीरे बनते बनते ऐसा हो जाएगा, लेकिन ढक के ही पकाना है आप लोगों को, ऐसे नहीं पकाना, बार बार ढक ढक के पकाइएगा तो मसाला भी नहीं जलेगा और धीरे धीरे ऐसे मतलब कि ऐसे फ्लेम में आ जाएगा। और ये हमारा बनके तैयार हो गया है, वैसे बहुत टाइम लगा था, ज़्यादा टाइम नहीं, बस आधे घंटे, लेकिन धीरे धीरे फ्लेम में बनाना है आप लोगों को। और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा ये आप लोगों को ये रेसिपी। और मिलते हैं अब कल के ब्लॉग में, अगर मैं डाल पाई तो अच्छा है, तो प्लीज़ भर भर के थोड़ा प्यार सपोर्ट दीजिए इसमें। ओके, बाय।